जब से दोस्तों मैंने इस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है या फिर इसकी न्यूज़ मैंने आप लोगों को अपने शॉर्ट वाले वीडियो में दिया, तब से आप लोगों को एक ही कमेंट आ रहा है कि क्या इस अपडेट के बाद से हमारे फ़ोन में MIUI की डायरेक्ट देखने को मिला है, क्या हम लोग ऑटो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट अनाउंसमेंट, और क्या इस अपडेट को करने के बाद कोई हमें मेजर इशू देखने को मिलेगा या फिर हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ डाउट्स आप लोगों के मुझे देखने को मिले हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मुझे पर्सनली DM करने के बजाय आप कमेंट में ये सब डिस्कशन करेंगे ना, तो आपके साथ जो दूसरे यूज़र हैं उन लोगों को भी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता रहेगा। सपोज़ किसी ने मुझे मैसेज किया कि मीट अगर आया कि नहीं, मैंने आपको DM रिप्लाई दे दिया है आया है या फिर नहीं आया, फिर कोई और बंदे ने सेम क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने सेम बंदे को दूसरे बंदे को सेम रिप्लाई दिया है, तो अगर आप लोग वही क्वेश्चन कमेंट में पूछेंगे तो सिर्फ एक कमेंट और उसके रिप्लाई से सारे यूजर्स का यहाँ पर भला हो जाएगा। तो फिर जो भी पूछना आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी कोई आप लोग का पर्सनल क्वेरी होता है तो आप लोग उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टा पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे DM वगैरह कर सकते हैं। ना 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 बिल्कुल अपडेट मत करना वरना आपका फ़ोन आपका मदरबोर्ड डेड हो जाएगा। जैसे दोस्तों Xiaomi 10 Pro में अपडेट देखने को मिल गया है MIUI 14.0.6.0 की अपडेट। इस अपडेट में क्या फीचर्स देखने को मिला, क्या चेंजेस देखने को मिला और क्या बॉटवेयर को ऐड किया गया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों MIUI 14 की अपडेट किन किन डिवाइसेस को देखने को मिला, अब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये सारे लिस्ट देखने को मिल जाता है कि इन सभी डिवाइसेस में MIUI 14 की अपडेट देखने को मिल गया है। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपके पास कौन सा डिवाइस है, कि आपके फ़ोन में MIUI 14 का अपडेट आया है, और अगर आ गया है तो कौन सी डिवाइस है मेंशन कर दिए कमेंट में, और अगर नहीं आया तो भी बता दिए कि आपके पास कौन सी Xiaomi की डिवाइस है जिसमें आपको अपडेट नहीं मिला और आपका करंट वर्जन कौन सा है MIUI का और एंड्रॉयड का। हाँ तो दोस्तों क्या हाल चाल है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ Xiaomi 14 Pro में MIUI 14.0.6 की अपडेट देखने को मिला है। इस अपडेट में हमें क्या फीचर्स देखने को मिला है, क्या बग्स देखने को मिला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बाकी फुल रिव्यू, बैटरी, कैमरा परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिलता है वो सब की जानकारी मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो में दूंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिस बेल को ऑन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं MIUI 14.0.6 की अपडेट हमारे Xiaomi 14 Pro के लिए। तो सबसे पहले तो चेंज की बात कर लेते हैं हम लोग। जब अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे, तो आप लोगों को जो चेंज लुक देखने को मिलता है उसमें एक एक बात मेंशन किया गया है कि आपके सिस्टम की जो सिक्योरिटी पैच है उसे यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, उसे आप लोगों को अप्रैल का कर दिया गया। पहले हमें जनवरी का अपडेट देखने को मिलता था MIUI 14.0.2 में, अब यहाँ पर हमें अप्रैल की सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। और एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है। और जैसे अगर बिल्ड नंबर की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को IN देखने को मिलता है। IN यहाँ पर इंडिकेट करता है कि इंडिया वाला अपडेट है। डिफरेंट डिजाइन का दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट कोड होता है, IN के लिए इंडिया के लिए IN होता है, ग्लोबल के लिए MI होता है। इस तरह दोस्तों ये कोड आपको देखने को मिलता है या किस रीजन की अपडेट है, तो यहाँ IN दिखता है आपको, इंडिया वाला अपडेट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस अपडेट के बाद से हमें क्या बग्स देखने को मिले या फिर क्या ब्लॉटवेयर्स को ऐड किया गया है। तो बग्स की दोस्तों बात कर लेते हैं तो ज़्यादा कुछ अभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुछ ही घंटे यहाँ पर गुजरा है इस अपडेट के होते हुए। ब्लॉटवेयर की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर दो ब्लॉटवेयर हमें देखने को मिल जाता है। एक है आपको ओपेरा ब्राउज़र, वो आप लोग एज ए सिस्टम देखने को मिल जाता है, और एक है गेम सेंटर। दोनों एप्लीकेशन दोस्तों एज अ सिस्टम एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया, ब्लॉटवेयर डाल दिया गया है जो मुझे पसंद नहीं आया। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर Xiaomi 14 Pro एक फ्लैगशिप फ़ोन है, 80,000 का फ़ोन है, अगर उसमें हम लोग एड्स देंगे फालतू की या फिर ब्लॉटवेयर डालेंगे अपडेट के बाद से, तो ये गलत बात है। गलत बात दोस्तों तब भी है जब आप लोगों को रेडमी की बजट फ़ोन में देखने को मिलता है या फिर मिड रेंज फ़ोन में देखने को मिलता है, उसमें भी गलत बात है। ब्लॉटवेयर को डालना ही दोस्तों गलत बात है, गलत चीज़ है, आप किसी फ़ोन में अपडेट करके डाल नहीं सकते हैं। पर Xiaomi वाले पता नहीं किस नशे में रहते हैं, कम दाम की फ़ोन अगर है तो समझ सकते हैं कि ऐड रिव्यू के लिए वो लोग यहाँ पर ऐसे सस्तेनेस कर सकते हैं, कम दाम वाले फ़ोन में ऐसे ब्लॉटवेयर को डाल सकते हैं। लेकिन एक 80,000 का फ़ोन में दोस्तों फ्लैगशिप एक्सपीरियंस यहाँ पर अगर हमें देखने को नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही कहना है। तो खैर यहाँ पर दो ब्लॉटवेयर मुझे देखने को मिला, गेम सेंटर और ओपेरा ब्राउज़र, जिसे आप लोग इजीली डिसेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑलरेडी डिसेबल कर चुका हूँ, अगर आप लोग भी डिसेबल करना चाहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरह से डिसेबल होगा। ओपेरा वर्सन की दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो माइनर सा कैमरा जो बिल्ड नंबर है यहाँ पर अपग्रेड हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। एक तरफ ओल्ड वाला वर्सन मिलता है और एक आप लोग को न्यू वाला वर्सन मिल जाता है, दोनों में आप वर्सन नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, माइनर से आपको यहाँ वर्सन नंबर अपग्रेड हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर जाते हैं हम लोग कंट्रोल सेंटर में, तो हमें जो हॉटस्पॉट का आइकॉन देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, न्यू आइकन आपको हॉटस्पॉट की देखने को मिल जाता है। या फिर हम लोग रिसेंट मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को जो मेमोरी एक्सटेंशन या फिर वर्चुअल रैम की सपोर्ट है वो आपको रिसेंट मेन्यू में मिल जाता है, कि आप लोग कितनी वर्चुअल रैम या फिर मेमोरी एक्सटेंशन वाले जो हमको अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं वो आपको रिसेंट मेन्यू में जाने के बाद देखने को मिल जाता है।
और अब तक जैसे हमें जो MIUI 13 की विजेट्स है जो हम लोग अपने होम स्क्रीन को पिंच करते हैं जो विजेट्स वाला सेक्शन देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिला हमारे इस Xiaomi 13 Pro में, जबकि Xiaomi 12 Pro में अपडेट के बाद से इनेबल हो गया था, तो इसमें भी देखने को नहीं मिला। और हमारे इस फोन में ऐप वर्ड की सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर उसको सपोर्ट दे देते, जैसे अगर Xiaomi 12 Pro में सपोर्ट देखने को मिलता है, सपोर्ट दे देते, हमारी मर्जी हम उसे यूज़ करें या फिर ना करें तो अच्छी बात होता। पर यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट दिया गया गूगल डिस्कवर को, या तो गूगल डिस्कवर को आप इनेबल रखें या फिर उसे डिसेबल कर दें, पर ऐप वर्ड की कोई सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। पर अपडेट के बाद से ऐप वर्ड वाले एप्लीकेशन को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया, देख सकते हैं हमें एक ब्लॉटवर्ड की शक्ल में एक आइकन देखने को मिल जाता है अपडेट के बाद से। पर हम लोग लेफ्ट स्वाइप करके यहाँ पर ऐप वर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि पैसा कि हमें दूसरे डिवाइसेस में लेफ्ट स्वाइप करके ऐप वर्ड को एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चेंज लोग मुझे इस अपडेट में देखने को मिला है। अपडेट आप लोगों को क्यों नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों ये पार्शियल रिलीज होता है, पायलट रिलीज होता है, कुछ रैंडम यूजर्स को ये अपडेट देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों ये पार्शियल रिलीज है, पायलट रिलीज है, बीटा वाला रिलीज है, तो सबको एक साथ में अपडेट नहीं मिलता, धीरे धीरे करके बैचेस में Xiaomi रिलीज करता है। जैसे दोस्तों एक दिन की अपडेट की बात करते हैं कि किस फोन में हमें एक ही बार में सभी फोन में अपडेट मिल जाता है, तो सिर्फ एप्पल और सैमसंग के फोन और पिक्सल के फोन आपको देखने को मिलता है कि ऑन द सेम डे जितने भी फोन्स के लिए अपडेट रिलीज होता है सबके फोन में एक साथ ही अपडेट देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों और दूसरे जो OEMs हैं जो कस्टम स्क्रीन को यूज़ करते हैं उनका अलग ही नक्शा रहता है, वो अपने हिसाब से अपडेट देते हैं, धीरे धीरे अपडेट देते हैं, उसके बावजूद भी उसमें काफ़ी सारे बग्स रहते हैं। बोलते हैं कि हम लोग टेस्टिंग करके अपडेट दे रहे हैं पर उसमें भी काफ़ी सारे बग्स रहते हैं, और कितने लोगों को यहाँ पर अपडेट करने के बाद उनका फ़ोन डेड हो गया है। खैर दोस्तों मेरा अपडेट करने के बाद यहाँ फ़ोन तो डेड नहीं हुआ, पर जब मैं अपने फ़ोन को अपडेट कर रहा था ना तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, अंदर से मुझे डर लग रहा था कि 80,000 का फ़ोन है कहीं यहाँ बूट लूप में फंस गया या फिर ख़राब हो गया, मदरबोर्ड डेड हो गया, तो फिर सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अपडेट मेरा हो गया, बाकी रिव्यू के लिए आप लोग वेट कर लीजिए। तो जैसे अगर मैं बता दूं कि इस अपडेट को करने के बाद भी हमारे फ़ोन में MIUI की जो डायलर है वो देखने को नहीं मिलता। हाँ, जब हम लोग अपने फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं तो आउट ऑफ बॉक्स में मी मैसेज की जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है, और मी मैसेज जो है हमारे फ़ोन में काम करता है। पर अगर आप लोग MIUI की डायलर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं वो तो वो हमेशा क्रैश ही करता है, ओपन नहीं होता, तो वो MIUI काम नहीं करता है। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि Xiaomi वाले हमें फ्यूचर में अपडेट के साथ इसकी सपोर्ट देंगे। हो सकता है न्यू डिवाइसेस आए तो उसमें हमें MIUI की डायलर बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाए, पर अभी के लिए अपडेट के बाद से कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसे हम लोग अपने फ़ोन में बाईपास करके मी डायलर को एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग ट्रिक अवेलेबल है, रिनेम ट्रिक अवेलेबल है, और भी बाईपास मेथड वगैरह है जिसकी वजह से आप लोग MIUI की डायलर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, पर ऑफिशियली अभी सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। और डेट की वजह से बात कर लेते हैं तो मैंने अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया, अभी तक तो मेरा फ़ोन यहाँ पर ठीक चल रहा है, बैटरी भी ठीक ठाक मुझे देखने को मिल रहा है, पर इस अपडेट को रोल बैक कर लिया गया है। डोंट नो द रीज़न, क्या मेजर रीज़न है, मेरे फ़ोन में तो कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला, पर इस अपडेट को रोल बैक कर लिया गया है। अब जैसे कोई न्यू अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पर डाल दूँगा।